मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार अब प्रदेश की 12,876 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है। राज्य शिक्षा केंद्र ने एक आदेश जारी कर जिले के अधिकारियों से कहा कि उन स्कूलों की समीक्षा की जाए जहां छात्रों की संख्या 0 से 20 है। राज्य शिक्षा केंद्र की सूची में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभाग के जिलों में सबसे ज्यादा स्कूल बंद होंगे। इस मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस अध्यक्ष और काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कुणाल चौधरी ने कहा कि शिवराज सरकार पहले ही देश भर में व्यापम जैसे शिक्षा घोटाले के लिए मशहूर है और अब करीब 13,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का यह फैसला बताता है कि लोकतंत्र और किसान विरोधी के साथ साथ यह सरकार शिक्षा विरोधी भी है। कुणाल चौधरी ने कहा कि जब तक प्रदेश में बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा। आने वाले समय में कोई भी आसानी से धोखाधड़ी कर सकता है और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अपने अधिकारों के लिए कभी दूसरों के सवाल नहीं पूछ पाएंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से शिक्षा के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है, करीब 12 से 13,000 स्कूलों को जो बंद करने की एक नीति और नियत के साथ काम कर रही सरकार, सुन ले, मध्य प्रदेश में शिक्षित प्रदेश की कोशिश हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पहले भी करी और अभी कमलनाथ जी ने बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूलों में सुधार के कार्यक्रम चालू कर रहे थे कि बच्चे कैसे पढ़े। पर सरकार जो निर्णय ले रही है कि कैसे स्कूल बंद हो, क्या मध्य प्रदेश को तालिबान बनाने की इच्छा है कि ना तो पढ़ेगा बच्चा तो सवाल कैसे पूछेगा बच्चा, स्पष्ट है। मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं ये एक नीचे ले जाने की कोशिश है, मध्य प्रदेश को एक अशिक्षित प्रदेश बनाने की कोशिश है। लगातार 15 साल में वैसे ही शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा पाई है और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की जगह स्कूलों को बंद करना एक सरकार की हट धर्मिता का और संकुचित मानसिकता का निर्णय है। पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं और अगर इसके इस तरह के कोई भी निर्णय हुआ तो सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।